हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है वेबेरियन ओसिकल्स देयर होमोलोगस एंड फंक्शंस। इसका सिनोप्सिस है इंट्रोडक्शंस स्ट्रक्चर ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स कनेक्शंस ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स विथ ईयर मैकेनिज्म ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स। फिफ्थ पॉइंट है होमोलोगस ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स इम्पोर्टेंस ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है ऑडिटरी तथा एयर ब्लैडर के बीच में फिशेस में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे वेबेरियन ओसिकल्स कहा जाता है। ये फिशेस में सुनने का कार्य करते हैं। यह ओसिकल्स फोर टाइप ऑफ बोन्स का बना स्ट्रक्चर होता है जो इंटरनल ईयर की तरह कार्य करता है। फिशेस में एक्सटर्नल ईयर का अभाव होता है इसलिए उसमें एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन पाया जाता है जो एयर ब्लडर के अग्र और पश्च भाग के बीच ढका रहता है जिसे ओसिकल्स कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स। वेबेरियन लाइक अर्थात लाइक ओसिकल्स यानी बोन अर्थात यह बोन स्ट्रक्चर होता है। यह निम्न बोन्स से बना होता है। वेबेरियन ओसिकल्स प्रजेंट बोन्स बोन फर्स्ट कोलेस्ट्रम बोन सेकेंड स्केफियम बोन थर्ड इंटरसेलेरियम और बोन फोर्थ ट्रिपस। ये डायग्राम है वेबेरियन ओसिकल्स का जिसमें फोर पार्ट पाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है क्लोस्ट्रम। यह ओसिकल्स की बाहरी बोन होती हैं जो बाहर की तरह चपटी डिस्क में प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड है स्केफियम। यह ऊपरी भाग पर प्याले नुमा संरचना वाली बोन होती हैं। थर्ड है इंटरसेलेरियम। यह टी के आकार की बोन एयर ब्लैडर में धसी रहती हैं। फोर्थ है ट्राइपस। यह निचली बोन होती हैं जो ट्राइपस कहलाती हैं। थर्ड है कनेक्शन ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स विथ ईयर। चूँकि फिशेस में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते तथा उनमें ऑडिटरी तथा ब्लैडर के बीच में वेबेरियन ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यह सुनने में हेल्पफुल होते हैं फिशेस के लिए। यह डीप सी में सहायक ऑर्गन्स की तरह कार्यरत होती हैं। यह इंटरनल ईयर की तरह कार्य करता है। फोर्थ है मैकेनिज्म ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स। ओसिकल्स में दो तरह से फिशेस के श्रवण के लिए मैकेनिज्म होती हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशंस। यह विधि कुछ स्पेशल टाइप की फिशेस में देखने को मिलती हैं जो कि डायरेक्ट सेंस को फिशेस में पहुंचने का कार्य करता है। सेकंड है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशंस। यह कुछ ऑर्गन तथा टिश्यू के अंदर की मैकेनिज्म होती हैं। फिफ्थ है होमोलोगस ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स। वेबेरियन अस्थिकाएं एक क्यूरस जटिल तंत्र हैं जिसमें उसका अपना स्वयं का कार्य है। ये ऑस्टियोफाइट्स के सभी सदस्यों में पाया जाता है। कुछ फिशेस में वेबेरियन अस्थिकाएं ये परिपक्व फिशेस में वेबेरियन अस्थिकाएं की अकारिकी के आधार पर ये होमोलॉजी को बताया जो निम्न अनुसार है। फर्स्ट है ट्राइपस के अनुसार ये थर्ड वर्टिब्रा के रिब से उत्पन्न हुआ। सोरेनसन 1894 के अनुसार स्विम ब्लैडर के ओसिफिट वाल्ड और यूसिफिट लिगामेंट। वाटसन ने 1939 थर्ड वर्टिब्रा के प्यूरल रिब और पेराफाइसा होरा 1922 कंपाउंड वर्टिब्रा से। सिक्स पॉइंट हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वेबेरियन ओसिकल्स हाइड्रोस्टेटिक फंक्शंस। ब्रिजेस एव हिडन ने वेबेरियन अस्थिकाओं के जल स्थितिक दाब के महत्व का वर्णन किया। वाताशय के आयतन में किसी भी परिवर्तन से वेबेरियन अस्थिकाएं आगे की ओर बढ़ जाती हैं जो इस सूचना को आंतरिक कर्ण के मेम्ब्रेन लेबिरिथ की ओर संचारित कर देती हैं। सेकेंड है डिटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेबेरियन अस्थिकाएं की सहायता से फिशेस को वातावरणीय दाब में होने वाले परिवर्तनों का आभास हो जाता है।
थर्ड है हीनिंग, वेवेनियन अस्थिकाय अंत में इन संवेदनाओं को आंतरिक कर्ण में संचालित कर देती हैं। ऑडिटरी फंक्शंस स्टेलर 1938 के अनुसार वेवेनियन अस्थिकाओं श्रवण कार्य में सहयोग करता है। यह ब्लैडर वाइब्रेशन तैराकी को आंतरिक कान के एंडोथैम्ब में संचालित करता है। सेवन्थ पॉइंट है कंक्लूजन, ऑडिटरी तथा एयर ब्लैडर के बीच में फिशेस में एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे वेवेरियन ओसिकल्स कहा जाता है। इसका रेफरेंस है फिश फिशरीज बुक बाय डी आर क्यूजे स्वामी।